एमएलए ने दिया इस्तीफा। दरअसल जनता कांग्रेस से विधायक प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद बलौदा बाजार से विधायक थे। जनता कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को दे दिया। जानकारी के मुताबिक प्रमोद शर्मा ने अपने एक मीडिया से बात करते हुए कहा, हाँ मैंने जनता कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, अब मैं स्वतंत्र हूँ। वजह पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि अमित जोगी के साथ मेरे विचार नहीं मिल रहे थे, वैचारिक मतभेदों की वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया है। जब तक अजीत जोगी जी थे पार्टी में सब कुछ ठीक था और अब आ रही परेशानियों की वजह से हमने इस्तीफा दे दिया है, मगर मेरी अमित जोगी को शुभकामनाएं हैं, जो भी करे अच्छा करे। इस प्रमोद शर्मा की भाजपा में शामिल होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शर्मा ने फिलहाल तय नहीं किया है कि शर्मा भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के संपर्क में हैं। यह सभी 10 शर्मा से संपर्क साधे हुए हैं। शर्मा जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। इस बीच कार्यकर्ताओं के रुझान को समझ कर वह तय करेंगे कि किस पार्टी में उन्हें शामिल होना है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि अमित जोगी के साथ प्रमोद शर्मा की लड़ाई 10 महीने पहले खुलकर सामने आई थी। तब पार्टी विरोधी होने की बात कहकर जनता कांग्रेस के एक और विधायक धर्मजीत सिंह को निकाल दिया गया था। उस दौरान प्रमोद शर्मा ने कहा, पार्टी मुझे भी निकालना चाहती है तो निकाल दे, मैं पूरी तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ में हूँ। अमित जोगी जी जो बाथरूम में बैठकर इस प्रकार का फैसला ले रहे हैं वह नाजायज है, गलत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।